सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, कल लखीमपुर खीरी से एक बहुत ही गलत तरह की खबर सामने आई, और वो गलत तरह की खबर ये है कि जो लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार भाई की जो हत्या करी गई थी, बड़े ही निर्दयी तरीके से बीजेपी के गुंडों द्वारा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा, उस पूरे हत्याकांड में दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय हमारे दो किसान भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चीज हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन लोगों ने गाड़ियां चढ़ाई किसानों के ऊपर, निर्दयी तरीके से उस हत्याकांड को अंजाम दिया, उन लोगों को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और जिन किसानों को कुचला गया, जो किसान घायल हो गए, उल्टा उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये चीज ना तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार ठीक है, ना ये चीज नैतिक मूल्यों के आधार पर ठीक है। संयुक्त किसान मोर्चा इस बात पे चुप नहीं बैठेगा। संयुक्त किसान मोर्चा इस मामले का बड़ा गंभीरता से संज्ञान ले रहा है, और इस पे यदि यूपी सरकार ने इस तरह की गलत हरकतें, गलत कार्रवाई बंद नहीं की, तो आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा निश्चित तौर पे कोई बड़ा कदम उठाने पे मजबूर होगा, और उसके लिए जो भी जिम्मेदारी होगी वो यूपी सरकार और केंद्र सरकार की होगी। हमारी मांग तो ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 25 तारीख को जो उन्होंने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भड़काने वाली, उकसाने वाली बातें बोली, दंगा फसाद करने वाली बातें बोली, तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन उल्टा उनको बचाया जा रहा है। उनसे गृह मंत्री अमित शाह मिलते हैं आराम से, वो सरकार की मीटिंगों में भाग ले रहे हैं, और दूसरी तरफ निर्दोष किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि सरकार ये सोचती है कि इस तरीके की घटना से वो किसानों की आवाज को दबा देंगे, तो ये सरकार की गलत फहमी है। ना तो किसान की आवाज दबने वाली, ना किसान की आवाज रुकने वाली, और ना ही किसान की आवाज दबाई जा सकती है। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता, सब लोग एकजुट होके हमारे लखीमपुर के किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। लखीमपुर के किसान भाई अपने आप को अकेला बिल्कुल भी महसूस ना करें, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ है, साथ था और साथ रहेगा। उनको इंसाफ दिलवाया जाएगा, उनके साथ न्याय करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, कल लखीमपुर खीरी से एक बहुत ही गलत तरह की खबर सामने आई, और वो गलत तरह की खबर ये है कि जो लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार भाई की जो हत्या करी गई थी, बड़े ही निर्दयी तरीके से बीजेपी के गुंडों द्वारा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा, उस पूरे हत्याकांड में दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय हमारे दो किसान भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चीज हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन लोगों ने गाड़ियां चढ़ाई किसानों के ऊपर, निर्दयी तरीके से उस हत्याकांड को अंजाम दिया, उन लोगों को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और जिन किसानों को कुचला गया, जो किसान घायल हो गए, उल्टा उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये चीज ना तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार ठीक है, ना ये चीज नैतिक मूल्यों के आधार पर ठीक है। संयुक्त किसान मोर्चा इस बात पर चुप नहीं बैठेगा। संयुक्त किसान मोर्चा इस मामले का बड़ा गंभीरता से संज्ञान ले रहा है, और इस पे यदि यूपी सरकार ने इस तरह की गलत हरकतें, गलत कार्रवाई बंद नहीं की, तो आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा निश्चित तौर पे कोई बड़ा कदम उठाने पे मजबूर होगा, और उसके लिए जो भी जिम्मेदारी होगी वो यूपी सरकार और केंद्र सरकार की होगी। हमारी मांग तो ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 25 तारीख को जो उन्होंने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भड़काने वाली, उकसाने वाली बातें बोली, दंगा फसाद करने वाली बातें बोली, तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन उल्टा उनको बचाया जा रहा है। उनसे गृह मंत्री अमित शाह मिलते हैं आराम से, वो सरकार की मीटिंगों में भाग ले रहे हैं, और दूसरी तरफ निर्दोष किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि सरकार ये सोचती है कि इस तरीके की घटना से वो किसानों की आवाज को दबा देंगे, तो ये सरकार की गलत फहमी है।
ना तो किसान की आवाज दबने वाली, ना किसान की आवाज रुकने वाली, और ना ही किसान की आवाज दबाई जा सकती है। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता, सब लोग एकजुट होके हमारे लखीमपुर के किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। लखीमपुर के किसान भाई अपने आप को अकेला बिल्कुल भी महसूस ना करें, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ है, साथ था और साथ रहेगा। उनको इंसाफ दिलवाया जाएगा, उनके साथ न्याय करवाया जाएगा। सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, कल लखीमपुर खीरी से एक बहुत ही गलत तरह की खबर सामने आई, और वो गलत तरह की खबर ये है कि जो लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार भाई की जो हत्या करी गई थी बड़े ही निर्दयी तरीके से बीजेपी के गुंडों द्वारा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा, उस पूरे हत्याकांड में दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय हमारे दो किसान भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चीज हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन लोगों ने गाड़ियां चढ़ाई किसानों के ऊपर, निर्दयी तरीके से उस हत्याकांड को अंजाम दिया, उन लोगों को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और जिन किसानों को कुचला गया, जो किसान घायल हो गए, उल्टा उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये चीज ना तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार ठीक है, ना ये चीज नैतिक मूल्यों के आधार पर ठीक है। संयुक्त किसान मोर्चा इस बात पे चुप नहीं बैठेगा। संयुक्त किसान मोर्चा इस मामले का बड़ा गंभीरता से संज्ञान ले रहा है, और इसपे यदि यूपी सरकार ने इस तरह की गलत हरकतें, गलत कार्रवाई बंद नहीं की, तो आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा निश्चित तौर पे कोई बड़ा कदम उठाने पे मजबूर होगा, और उसके लिए जो भी जिम्मेदारी होगी वो यूपी सरकार और केंद्र सरकार की होगी। हमारी मांग तो ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 25 तारीख को जो उन्होंने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भड़काने वाली, उकसाने वाली बातें बोली, दंगा फसाद करने वाली बातें बोली, तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन उल्टा उनको बचाया जा रहा है। उनसे गृहमंत्री अमित शाह मिलते हैं आराम से, वो सरकार की मीटिंगों में भाग ले रहे हैं, और दूसरी तरफ निर्दोष किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि सरकार ये सोचती है कि इस तरीके की घटना से वो किसानों की आवाज को दबा देंगे, तो ये सरकार की गलत फहमी है। ना तो किसान की आवाज दबने वाली, ना किसान की आवाज रुकने वाली, और ना ही किसान की आवाज दबाई जा सकती है। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता, सब लोग एकजुट होके हमारे लखीमपुर के किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। लखीमपुर के किसान भाई अपने आप को अकेला बिल्कुल भी महसूस ना करें, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ है, साथ था और साथ रहेगा। उनको इंसाफ दिलवाया जाएगा, उनके साथ न्याय करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, कल लखीमपुर खीरी से एक बहुत ही गलत तरह की खबर सामने आई, और वो गलत तरह की खबर ये है कि जो लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार भाई की जो हत्या करी गई थी बड़े ही निर्दयी तरीके से बीजेपी के गुंडों द्वारा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा, उस पूरे हत्याकांड में दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय हमारे दो किसान भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चीज हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन लोगों ने गाड़ियां चढ़ाई किसानों के ऊपर, निर्दयी तरीके से उस हत्याकांड को अंजाम दिया, उन लोगों को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और जिन किसानों को कुचला गया, जो किसान घायल हो गए, उल्टा उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये चीज ना तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार ठीक है, ना ये चीज नैतिक मूल्यों के आधार पर ठीक है। संयुक्त किसान मोर्चा इस बात पर चुप नहीं बैठेगा। संयुक्त किसान मोर्चा इस मामले का बड़ा गंभीरता से संज्ञान ले रहा है, और इसपे यदि यूपी सरकार ने इस तरह की गलत हरकतें, गलत कार्रवाई बंद नहीं की, तो आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा निश्चित तौर पे कोई बड़ा कदम उठाने पे मजबूर होगा, और उसके लिए जो भी जिम्मेदारी होगी वो यूपी सरकार और केंद्र सरकार की होगी। हमारी मांग तो ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए।
क्योंकि 25 तारीख को जो उन्होंने भाषण दिया जिसमें उन्होंने भड़काने वाली उकसाने वाली बातें बोली, दंगा फसाद करने वाली बातें बोली, तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन उल्टा उनको बचाया जा रहा है। उनसे गृहमंत्री अमित शाह मिलते हैं आराम से, वो सरकार की मीटिंगों में भाग ले रहे हैं, और दूसरी तरफ निर्दोष किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि सरकार ये सोचती है कि इस तरीके की घटना से वो किसानों की आवाज को दबा देंगे तो ये सरकार की गलत फहमी है। ना तो किसान की आवाज दबने वाली, ना किसान की आवाज रुकने वाली, और ना ही किसान की आवाज दबाई जा सकती है। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता, सब लोग एकजुट होके हमारे लखीमपुर के किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। लखीमपुर के किसान भाई अपने आप को अकेला बिल्कुल भी महसूस ना करें, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ है, साथ था और साथ रहेगा। उनको इंसाफ दिलवाया जाएगा, उनके साथ न्याय करवाया जाएगा।